के तहत भी अगर कोई उन रूल्स पर शहर का इस शहर का जिम्मेदार शहरी होने के नाते एक अच्छे ड्राइवर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए रोड एक्सीडेंट्स को काबू करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा और न करूंगा न करने दूंगा। कहते हैं कि इंसान के वजूद के बगैर अपनी आसाइशों के लिए कई चीजों का जो साइनस ने कई चीजों का आसाइश पैदा करने के लिए कई चीजों का इजाद किया है, उन्होंने गाड़ी लिए है, लेकिन आसाइश पैदा करने के लिए अपनी जान देने के लिए नहीं। अगर जिंदगी को आसान बनाना है तो उसके लिए हम सफर को अपने आसान करते हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि बेअमल आलिम से बाअमल जाहिल बेहतर है। जो अमल करे बार बार अगर एक ही चीज दोहराई जाती है वो ये बात है कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर हम यही कहेंगे कि बाहर के लिए मैंने अपने लिए गाड़ी लाई है ताकि मेरी मुसाफत कम हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त अपनी जिंदगी को दांव पर लगाऊं तो मैं वो तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलो न करूं और उसे वायलेशन करूं। देखा है कि कई हादसे हुए हैं, उन्हीं सर्दी जिला उन्हीं में हादसे हुए हैं, बिहार में भी होते रहते हैं और देश भर में भी रहते हैं। तो अगर उन प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जाए और उनकी मरम्मत और उनकी वायरिंग की जाए तो बेहतर है। जिम्मेदारी को समझते हुए आप इस महीने ये फख्र महसूस करने से स्टार्ट करें कि हमें इस महीने Now, I would like to invite Adhiv Kashmir, Mr. Sage Shambhav Bukhari, to come here and share their insights with us. After these conversations, half nine. हम जब उसको सोचते हैं इट इज नॉट अ मेजर इशू ऑन आवर माइंड, पर ये एक ऐसा इशू जिसके कारण लाखों फैमिलीज इस देश में हर साल तबाह होती है। तो मैं लास्ट में आपको वही मैसेज दूंगा कि फॉलो रोड सेफ्टी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। महीने चला, हमने नंबर वन रैंक ली पूरी कंट्री में, लेकिन अब जो अगला महीना हमारा होगा दैट वुड बी द मंथ ऑफ एनफोर्समेंट। हमारा डिपार्टमेंट बहुत सीरियसली अगले महीने दफ्तर से ज्यादा फील्ड में होगा। जो भी दूर दूर दराज इलाके हैं जहाँ थोड़ा हमारी ज़्यादा वायलेशंस होती हैं, ओवरलोडिंग के वायलेशंस होती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ फिटनेस परमिट के बगैर चलती हैं, मैंने अपने अमले को हिदायत दी है कि वो फील्ड में जाके इन तमाम वायलेशंस को रोकें और एनफोर्समेंट में जितनी भी सीवियर पेनल्टी होगी उसमें अगर किसी ड्राइवर साहब का हमारा वो कमर्शियल परमिट जो है वो कैंसिल भी करना पड़े हम उस हद तक जाएंगे। सर, अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करेंगे जो इस वक्त बिल्कुल पैसेंजर्स को लेके, देखिए एक शिकायत मुझे सुबह ही आई बिल्कुल अपने इलाके से, अपने हमसाय इलाके से कि कुछ गाड़ियां जो हैं प्राइवेट व्हीकल्स वो चलती हैं। एक तरह से ये दिस इज कानूनी तौर पे तो ये अलाउड नहीं है, तो मैंने उनको एडवाइस किया है कि वो नई गाड़ियाँ लाएँ और एआरटीओ साहब से गुजारिश की है कि उनका परमिट जो है वो दो दिन में अप्रूव हो जाए। ठीक है, और उसमें डीसी साहब का फाइनल अप्रूवल होता है, मैं डीसी साहब से बात करके भी हम उसमें जितना जल्दी हो सके एक दो दिन के अंदर अंदर उनको
कमर्शियल परमिट दे रहे हैं ताकि वो जो वायलेशन है वो कंट्रोल। सर आप स्कूल गाड़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही डिटेल्ड डायरेक्शन है से दिस पैसेंजर बच्चों की कैपेसिटी को लेंगे, अगर आपके बच्चे 12 साल से नीचे हैं तो सीटिंग कैपेसिटी का 1.5 टाइम से, अगर 10 सीटर गाड़ी है वो 15 बच्चे बिठा सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट बच्चे हैं उसमें बराबर 10 के 10। उसके अलावा भी बाज़ाब्ता बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स हैं कि वाटर पानी की अवेलेबिलिटी रखनी है, GPS लगाना है, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। जैसे स्कूल खुलेंगे हमारा तो अगेन मैं पहले तो अपील ही करना चाहूँगा तमाम स्कूल मैनेजमेंट्स को कि वो किसी वायलेशन में इंडल्ज ना करें, लेकिन अगर हमें पाया गया तो मैंने वही बताया कि अब हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी विल हैव टू बी वेरी सीवियर, बिकॉज रोज़ रोज़ का वाज के बावजूद मैं ग्राउंड में वायलेशन देखता हूँ, तो इसलिए हम इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो गाड़ियों में स्पीड मीटर जो नई गाड़ियों में 2018 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें एम्बेडेड होता है, उनमें ऑटो फिटेड होता है, लेकिन जो उससे पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए मैंडेटरी है उन पर स्पीड मीटर लगाना, और ऐसी कोई गाड़ी पास नहीं होती हमारे फिटनेस टेस्ट की जिसमें स्पीड मीटर नहीं होता। ये ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज जब ये प्रोग्राम्स होते हैं तो एक अवेयरनेस जनरेट होती है जनता में कि बेसिकली डिपार्टमेंट इस बारे में कह रहा है, स्पेशली जैसे हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे कई सारी चीज़ें ऐसे रोड्स जो बेसिकली रोड की स्पीड होती है, ड्राइविंग स्पीड होती है, ये ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं, जो हमारे लैकुनाज होते हैं वो भी आइडेंटिफाई होते हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आने वाला मौसम अभी हमें पता है कि स्नोफॉल होने वाली है, तो स्पेशली सिंस रोड सेफ्टी मंथ का भी हम लोगों ने अभी कंक्लूजन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पीपल जो स्पेशली पहाड़ी इलाके में रहते हैं जैसे हमारा ओडी हो गया, हमारे रफियाबाद कंटी बेल्ट हो गया, वहाँ पे स्पेशली ट्रैवल अवॉइड करें अननेसेसरी हो तो आने वाले 3 दिनों में, जो भी अगर नेसेसरी ट्रैवल होगा तो एक बार वेदर कंडीशन देख के ट्रैवल करें। और मैं हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है हमने ऑलरेडी 2 कंट्रोल रूम्स भी बनाए हैं, एक बारामूला में और एक संगमर में, तो अब कोई भी अगर इमरजेंसी होगा, कोई भी अगर हेल्थ के लिए इमरजेंसी है, ग्रीनरी के रिलेटेड है या स्नो क्लियरेंस के लिए है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारे वो नंबर्स हमारे वेबसाइट में, ट्विटर हैंडल सब जगह अवेलेबल है, तो मैं आपके थ्रू आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली उसमें कॉन्टैक्ट करें, और जो हमारी जिला इंतजामिया है वो हम उनको सपोर्ट करने में रेडी रहे। सर अगर हम सपोर्ट के बाद स्टार्ट होगा जो खेलो इंडिया 4th एडिशन है उसकी शुरुआत 21st से होगी, 21st को उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें 3-4 राउंड मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आई हैव पर्सनली गॉन 2-3 टाइम्स, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी रिव्यू मीटिंग ली है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी 2 बार पर्सनली रिव्यू लिया है, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी रिव्यू लिया है, तो इसमें हम सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये ना ये सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इवेंट नहीं, पूरे JNK यूटी का इवेंट है, जितने भी हमारे स्पेशली बारामूला में जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, R&D हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर GDA हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपैलिटी हो, हम सब लगे हुए हैं कि ये इवेंट एक सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो।